दिखाने जा रहे हैं सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सिरोही में ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा का फिर से एक बार पेपर हुआ है लीक। और जानकारी के लिए बता दें कि 3 फर्जी परीक्षार्थी के साथ एक दलाल को किया गया है गिरफ्तार। सिरोही जिला मुख्यालय पर 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से सिरोही के बारीघाटा क्षेत्र में स्थित महावीर पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी विद्यार्थी, जिसमें से एक ओम प्रकाश बिश्नोई व दूसरा इंदु बाला बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों ही मूल परीक्षार्थियों की आड़ में फर्जी तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच गए और परीक्षा देने लगे। परीक्षक को आधार कार्ड और प्रवेश पत्र में लगे फोटो और परीक्षा की शक्ल में कुछ मेल मिलाप नहीं होने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, जिस पर उन पर कार्रवाई की गई है। परीक्षा जिले में 2 दिन से चल रहा है, 4 पारियों में हुआ है और इस संदर्भ में पुलिस लगातार चौकस रहकर मेल प्रैक्टिस करने वाले परीक्षार्थियों पे नकेल कस रही है। इस संदर्भ में अभी तक 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कल एक मामला पैसे के एवज में पेपर लीक कराने का झांसा देने का दर्ज किया गया था, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला परीक्षार्थी गिरफ्तार किया गया है। और एक और अन्य मामला आया था कल महावीर पब्लिक स्कूल में, जहां एक डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और आज इमैनुअल स्कूल में एक डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला है, उसमें भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अभी तक 3 मुकदमे